डेफिनेशन का आपके पास अभी सीट चली जाएगी। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हमने पहले गंडोले का डेफिनेशन के तौर पे कैजुअल शर्ट का पहले किया था, जो काफी सक्सेसफुल रहा। जो कि इससे क्या होगा कि हर एक गंडोले को किसी भी मेजर कैटेगरी का किस तरह से डिस्प्ले करना है पूरी तरह से डिफाइंड हो जाएगा और स्टोर को यही प्रायोरिटी फॉलो करना है। तो अभी जितनी भी मेजर कैटेगरी है मेंस की और लेडीज की, वो हम आज भेज रहे हैं। आप उसको किस तरह से वर्किंग करना है, किस तरह से स्टोर में इम्प्लीमेंट करना है, वो हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले स्टोर वर्किंग कैसे करेगा? स्टोर सबसे पहले वर्किंग करेगा कि अपना स्टोर यहाँ सेलेक्ट कर लेगा। बी कॉलम में उसके स्टोर का नाम है। सबसे पहले वो अपना स्टोर का नाम सेलेक्ट कर लेगा, क्योंकि हर एक स्टोर का अपना अलग अलग है। गंडोला मेजर कैटेगरी वाइज गंडोला अलग अलग है। तो सबसे पहले क्या करेगा, स्टोर अपना सेलेक्ट कर लेगा। जैसे कि मैंने एक स्टोर सेलेक्ट कर लिया अगरतला। सेलेक्ट करने के बाद एक मेजर कैटेगरी ले लिया, मेंस टी शर्ट पोलो नेक, मेंस टी शर्ट पोलो नेक। अब इसको माइनस को बंद कर दिया तो बाकी सारे कॉलम बंद हो गए। अब उसके बाद आप ए बी कॉलम को हाइड कर दो। ए बी कॉलम को हाइड करके अगर हमें, चूंकि फ्लोर पे वर्किंग करना है, तो फ्लोर पे वर्किंग करने के लिए हमें इसका प्रिंट लेना होगा, हार्ड कॉपी निकालना होगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि तीन कॉलम भरना है, चार कॉलम भरना है। एक्चुअल गंडोला, गंडोला नंबर, फोटो का हाइपरलिंक भी करना है और रिमार्क्स। एक्चुअल गंडोला, गंडोला नंबर, फोटो हाइपरलिंक और रिमार्क्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से देखिए आपके सामने इसका प्रिंट निकालना है। यहां से टीम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। एक मेजर कैटेगरी मैंने इसका सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैं अगरतला का मेन्स फ्लोर का फ्लोर मैनेजर हूं, तो मैं यहां आकर इसका प्रिंट आउट निकालूंगा। बहुत इजी है, प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे। आप यहां देखिए लैंडस्केप में सारा पॉइंट इसमें आ रहा है। एक्चुअल गंडोला, गंडोला नंबर, फोटो हाइपरलिंक, आप देख रहे होंगे। एक्चुअल गंडोला, गंडोला नंबर, फोटो हाइपरलिंक और रिमार्क्स, ये चारों कॉलम यहाँ इजिली आ रहा है और आराम से यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले ये भी दिख रहा है, दिख रहा है ना? जब आप इसका प्रिंट निकालेंगे तब इसको दिखेगा, क्योंकि हमने इसका सैंपल टेस्ट भी किया है, चेक किया है। अब ये सीट जब मेरे पास प्रिंट आ गया है हार्ड कॉपी, इसको ले जाकर मैं फ्लोर पे इस पे काम करना शुरू करूंगा। अब कैसे काम करेंगे ये बताते हैं। सबसे पहले हार्ड कॉपी एक्टिविटी किस तरह से शुरू करना है वो हमने आपको बताया। अब हम शुरू करते हैं कि इस पे काम किस तरह से करना है। अब हम मेंस फ्लोर पे आ गए और मेंस टी शर्ट पोलो नेक के गंडोले के पास आ गए। अब इसमें सबसे पहले आप देखिए, मेंस टी शर्ट पोलो नेक हाफ स्लीव का टोटल 17 गंडोला दिया गया है। टोटल 17 गंडोला दिया गया है मेजर कैटेगरी पे। पहले हमारा गंडोला जो बढ़ता है वो मेजर कैटेगरी पे बढ़ता है। तो मेजर कैटेगरी मेंस टी शर्ट पोलो नेक हाफ स्लीव को 17 गंडोला दिया गया है अगरतला में। इन 17 गंडोले में अब MBGR वाइज इसको बांटा गया है। इसमें से 10 गंडोला दिया गया है इकोनॉमी वैल्यू को, ईबी इकोनॉमी वैल्यू। तो इकोनॉमी वैल्यू को दिया गया है 10 गंडोला। प्रीमियम सुपर प्रीमियम को दिया गया है 6 गंडोला, 5.84 का मतलब राउंड फिगर में 6 गंडोला। उसके बाद आप आएंगे बिग साइज को दिया गया है आधा गंडोला और इंडिगो को दिया गया है आधा गंडोला। तो मेजर कैटेगरी में पहले बांटा गया 17 गंडोला टी शर्ट पोलो नेक हाफ स्लीव अगरतला में। उन 17 गंडोलों को फिर बांटा गया ईबी में 10 गंडोला, 6 गंडोला पीएसपी, आधा गंडोला बिग साइज और आधा गंडोला इंडिगो। तो 17 गंडोले पहले बांटे गए और 17 में फिर ये चार कहते हैं MBGR में आपको बांट दिया गया कि इस तरह से आपको डिस्प्ले करना है। अब हम आते हैं कि पहला 10 गंडोला है हमारे पास, इसमें स्टॉक डिस्प्ले हम कर सकते हैं 930
993 पीस हम इसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। स्टॉक अवेलेबल है 503 पीस और 2 में भी होगा। 3001 में फिल रेट कितना है 83%। अगर इतना ही माल अगर स्टोर में है तो 8 गंडोला का माल आप डिस्प्ले कर सकते हैं। पर एक्चुअली क्या है, आपका 2 में भी माल हो सकता है, बेस में माल हो सकता है, आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर जहां दोनों मैच है, मतलब मिक्स किया हुआ है 1-2, तो वहां तो यही फिगर होगा। अदरवाइज अगर दोनों अलग अलग है तो आपको ढूंढना भी पड़ जाएगा। तो 8 गंडोला अभी एज पर स्टॉक अवेलेबल आपको ईवी को देना है, ठीक है। तो स्टॉक भी आपको दिखा रहा है, फिल रेट भी दिखा रहा है, इससे बहुत इजी हो जाएगा आपको स्टॉक को छाट के डिस्प्ले करना। इसमें यह भी आपको समझ में आएगा कि हमारे पास माल तो दिखा रहा है कि 8 गंडोले में लगा सकते हैं, लेकिन जब आप लगाने जाएंगे तो पता चलेगा कि 6 गंडोले का माल मिल रहा है और माल मिल ही नहीं रहा है। तो आपको ये भी पता चलेगा कि फिजिकल वर्सेस सिस्टम स्टॉक में गैप भी है। तो आप कहीं ना कहीं स्टॉक टेक करने के लिए भी आप अपना सजेस्ट करेंगे, जिससे कि और स्टॉक आपके पास डिस्पैच हो सके और बजट वर्सेस एक्चुअल आप स्टॉक को मैच करने के साथ साथ आप गंडोला भी बजट के साथ एक्चुअल मैच कर सके, यानी डिस्प्ले कर सके। तो 8 गंडोला हम ईवी को लगा सकते हैं, 3 गंडोला पीएसपी को लगा सकते हैं एज पर स्टॉक अवेलेबिलिटी, और बिग साइज को आधा गंडोला और इंडिगो को भी आधा गंडोला लगा सकते हैं। यह पहला प्रायोरिटी है। फिर आप देखिए 10 गंडोला हमने दिया था ईवी को, उन 10 गंडोले में भी 4.5 गंडोला दिया गया है ईवी प्ले, और 4.5 गंडोला को दिया गया है ईवी प्लेन। मतलब इकोनॉमी वैल्यू में जो प्लेन है टी शर्ट, उसको दिया गया है 4.5 गंडोला, और 2 गंडोला दिया गया है स्ट्राइप को, और 1.5 गंडोला दिया गया है प्रिंट को, और 1.5 गंडोला दिया गया है कट एंड स्यू को। बहुत इजी है, 8 गंडोला हमारे पास ईवी है। आप देखिए यहां, यहां से यहां तक क्या है ईवी है, येलो कर दिया मैंने, और ये कितने गंडोले हैं 10, ईवी के 10 गंडोले हैं। उन 10 गंडोलों को भी जो ईवी के थे, उनको भी फिर बाद में दूसरा पैटी में बांटा गया है। जैसे देखिए ईवी का प्लेन 4.5 गंडोला, ईवी का स्ट्राइप 2 गंडोला, ईवी का प्रिंट 1.5 गंडोला, ईवी का कट एंड स्यू 1.5 गंडोला, ईवी का जकार्ड आधा गंडोला या एक आयरन, ये सारा मिला के आपका कितना आ जाएगा 10 गंडोला। यानी 10 गंडोला पहले हम छाटेंगे ईवी का, लेकिन उस 10 गंडोले के ईवी में आपको प्लेन का पहले 4.5 गंडोला लगाना है, फिर स्ट्राइप का 2 गंडोला, फिर प्रिंट का 1.5 गंडोला, फिर कट एंड शू का 1.5 गंडोला, फिर जकार्ड का आधा गंडोला, 10 गंडोला आपका पूरा लग गया। ये दूसरी प्रायोरिटी है। तीसरा फिर आपको क्या करना है कि जो 4.5 गंडोला हमने ईवी प्लेन को दिया, वो 4.5 गंडोला में आपको क्या करना है, 3 गंडोला, ऑलमोस्ट 3 गंडोला 150 से 250 का रहेगा, 150 से 250, और बाकी जो बचा 1.8 गंडोला या 2 गंडोला, ठीक है, वो रहेगा 300 से 350, और यही साइनेज लगेगा। जैसे कि 4.5 गंडोला दिया गया आपको ईवी में प्लेन, 4.5 गंडोला ईवी में प्लेन, तो सपोज मान लो 4 गंडोला हम दे रहे हैं ईवी का प्लेन, तो ये भी कह रहा है कि ईवी के प्लेन जब आप 4 गंडोला लगा रहे हैं, तो उसमें से 2 गंडोला आप लगाएंगे 150 से 250 का, और 2 गंडोला लाएंगे 300 से 350 का। तो 4 गंडोला जब आपने डिस्प्ले किया है, तो 2 गंडोला में लगा रहेगा आपका साइनेज 150 से 250, और बाकी 2 गंडोला में रहेगा 300 से 350, 300 से 350। ये आपका एज पर गंडोला डिफिनेशन, इसका डिस्प्ले क्लोज हो गया। अब इसमें आते हैं ईवी का स्ट्राइप। ईवी का स्ट्राइप 2 गंडोला है, तो ईवी का स्ट्राइप 2 गंडोला है, तो उसमें क्या करेंगे, 1 गंडोला आ रहा है तो उसका आपका साइनेज जाएगा 300 से 350, और 1 गंडोला का रहेगा 150 से 250। ये भी 2 गंडोला में बट रहा है, तो यहाँ भी रेंज में टूट रहा है,
एक 150 से 250, एक 300 से 350, और ये इकोनॉमी वैल्यू का है, तो मतलब एक इकोनॉमी में चला जा रहा है, एक वैल्यू में चला जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से प्रिंट का भी है, प्रिंट का डेढ़ गंडोला है, तो एक गंडोला आ जाएगा 300 से 350, और आधा गंडोला हो जाएगा 150 से 250, मतलब एक तरह से मोटा मोटी यहाँ क्या है, रेंज सेगमेंट में टूट जा रहा है। तो इसको पहले आप अच्छे से देख लें, देखने के बाद फ्लोर पे जाकर पहले सारी टीम को आप पहले समझाएं, फ्लोर मैनेजर, सिस्टम मैनेजर, स्टोर मैनेजर बैठ के फ्लोर मैनेजर को और स्टाफ को भी पहले अच्छे से इसको ब्रीफ करें कि किस तरह से डिस्प्ले करना है, और उसके बाद फ्लोर पे जाकर डिस्प्ले करें, तब कहीं ना कहीं इसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। और उसके बाद जब डिस्प्ले करते हैं तो आपने जितना दिया, दो गंडोला अगर यहाँ दिया तो यहाँ दो गंडोला हो जाएगा, यहाँ भी दो गंडोला दिया तो यहाँ दो गंडोला हो जाएगा, एक गंडोला दिया तो एक गंडोला हो जाएगा, और वो दो गंडोले का गंडोला नंबर यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद फोटो हैपन लिंक। कोई और रिमार्क्स है? जैसे रिमार्क्स का केस में मैंने आपको बताया कि यहाँ स्टॉक दिखा रहा है और कि भाई 8 गंडोले का आपके पास स्टॉक है, लेकिन जब आप डिस्प्ले करना शुरू किए तो आपके पास 5 ही गंडोले का माल है, तो आप यहाँ रिमार्क्स देंगे कि फिजिकल वर्सेस सिस्टम स्टॉक का मिसमैच है, तो उसके बाद उसको स्टॉक चेक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो गंडोला डेफिनेशन आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। थैंक यू।